हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छी और जो अवेटिंग वीडियो, जो कि काफ़ी दिन से मेरे स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि आप ये वीडियो लेके आइए कट ऑफ से रिलेटेड। अब बहुत ही कम दिन रहेगा रिजल्ट के और 29 तारीख को पेपर होने वाला है, तो उसके लिए हम आपके लिए कट ऑफ लेके आए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के बाद, काफ़ी सारे ग्रुप्स में वेटिंग करने के बाद और लड़कों से मार्क्स शेयर करने के बाद ही कट ऑफ जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखते हैं आपके लिए कट ऑफ, और ये कट ऑफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और जो जिसके इस कट ऑफ से नीचे भी मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। ये जो है रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद और भी ज़्यादा हो सकता है कट ऑफ आपकी, आपके मार्क्स बढ़ जाए। तो देखते हैं दोस्तों कट ऑफ क्या है। देखिए सिविल की सबसे पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो सिविल में आप देख सकते हैं यूआर की जो कट ऑफ है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। इसमें देखिए सिविल की जो कट ऑफ है 105 से 113 मार्क्स तक है, यानी जिनके नॉर्क रॉ मार्क्स अभी कम भी आ रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके हो सकता है इतने मार्क्स आराम से पहुँच जाएँ। ओबीसी की देखिए कट ऑफ जो है 104 से 110 के बीच है, और ईडब्ल्यूएस जो कि इस बार फर्स्ट टाइम जो है वो फर्स्ट एग्ज़ाम था, वो फर्स्ट टाइम यही एग्ज़ाम में जो ईडब्ल्यूएस था वो लागू हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग ओबीसी के कट ऑफ के बराबर ही जाएगी। मे भी हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस की एक या डेढ़ नंबर नीचे चली जाए कट ऑफ, तो इसमें भी कोई बनी, क्योंकि ये बिल्कुल नया कट ऑफ का है। अगला देखते हैं एससी, एसटी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो 100 से लेकर 105 तक जाने की उम्मीद है। एसटी की जो कट ऑफ है वो 90 से लेकर 100 तक जाने की उम्मीद है। दोस्तों आते हैं अगले मैकेनिकल के, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल का आपके सामने आ गया है। मैकेनिकल की जो कट ऑफ था पिछली बार 136.25 गई थी, ये कट ऑफ इस बारे ज़्यादा गई थी क्योंकि मैकेनिकल की जो पिछली बार सीटें थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन इस बार मैकेनिकल की जो सीटें हैं वो पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम रहने के चांसेस हैं। तो यूआर की जो कट ऑफ है वो 130 से 135 तक रह सकती है, ओबीसी की जो कट ऑफ है 125 से 130 तक रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है दोस्तों 125 से 130 लगभग बराबर ही हो सकता है, एक दो मार्क्स कम या ज़्यादा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। एससी की कट ऑफ 115 से 120 तक रह सकती है, और एसटी की कट ऑफ 105 से 115 रह सकती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारी जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रुप में वेटिंग करने के बाद व्हाट्सएप वगैरह पे उन सबसे लड़कों के मार्क्स के बाद पता चली है। और दोस्तों अगर आपके इससे मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मार्क्स आफ्टर ये जो कट ऑफ बनाई है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बनाई गई है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट भी लगभग 3 से 4 दिन में, यानी 14 तारीख को आने का जो है मैंने बताया था, वो 14 तारीख को रिजल्ट आने का पूरा चांसेस है। मेरी बात हुई थी एसएससी से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और अपनी मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। मैं आशा करता हूँ आपका मेंस अच्छा हो। थैंक यू दोस्तों।